कैद खान की जहाँ लाश फेंकी गई वो ये मकान है, और उस यहाँ पे मुखालफिन जो मुलजिम पार्टी है उनके ये पैरों के निशान है, जिसे पुलिस ने ये लोहे के चंद जिसे तसला भी कहा जाता है उनसे इन्हें ढक दिया गया है। और ये मकान है जिसकी चार दीवारी कम से कम जिसकी हाइट 4 से 5 फुट के दरमियान है, यहाँ से चढ़कर वो लाश इस घर में फेंकी गई ताकि दूसरों पे कत्ल का इल्ज़ाम आ सके। इनकी आपस में दुश्मनी रहती थी, ये दुश्मनी की बिना पे ये कत्ल हुआ है। और जो कत्ल हुआ बच्चा वो उसके चचा जात भाई और उसकी आंटी और चचा ने इसे कत्ल किया बच्चे को। पुलिस अभी जेर तफ्तीश इस केस को ले गई है मुलजमान को उठाकर रात, और मुलजिम इस वक्त थाना में बंद है। वहाँ जाते हैं मुलजिम से पूछते हैं कि वो किस बिना पे कत्ल किया गया। जी जी हाँ। अच्छा ये बताइए क्या क्या ये जो कत्ल हुआ है ये जुल्म है? जुल्म नहीं तो और क्या, जुल्म इंतहा है। अच्छा ये आपका क्या शक है कि भी किसने किया है, इन्होंने किया है या उस पार्टी सानू लाला भैया कोई इल्म नहीं आसा, सिर्फ डे दे से बच्चे दी वालदा की तबे ओ शुदी किसे नु जेड़ा ता कुछ आखणा नहीं बच्चे लड़ भी पवणा तो आदी मेरे बच्चे झूठे है। लेकिन असा मंडी काम करंदे से उथे उन फिरदा वेख के ते असा भी ढूंढण दे चक्कर जा से पे बच्चा किस तरह अगवा थी आ गई है। इस रात ही वजह दा वाकई है कि जिस टाइम पुलिस आई है छापा मारे तलाश बरामद थी असा उठे है। ये 4-5 दिन तक लाश इन्होंने अपने घर में रखी जिथे रखी गई है लाश गायब ही रही है 4-5 दिन तक। ये रात का वाकई है, ये रात का वाकई। अच्छा यहाँ जो चश्मदीद गवाह है उसने किसने देखा है यहाँ पे ये जो लाश फेंकते हुए? जिस टाइम अस आए हैं तो उस टाइम सिर्फ पुलिस तश्वीश वास्ते आई हुई है, लाश थाने आई है। जी हाँ। अच्छा ये किसी ने नहीं देखा फेंकते हुए? किसी ने नहीं देखा, किसी भी नहीं देखा। ये किसी का क्यों ना किया फिलहाल फेंके या फिलहाल पे? आपका क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान जी आप कहाँ रहते हैं? मैं साथ यार। ये साथ ही घर है जी। अच्छा आप बताइएगा आप कहाँ रहते हैं? मैं किले में रहता हूँ। किले में रहते हैं। अच्छा आप यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं कि ये क्या वाकया हुआ है? देखने हैं। अच्छा।